आपको याद होगी अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन। उस पैडमैन में आपने कहानी ज़रूर देखी होगी कि किस तरह से अक्षय कुमार बिना किसी सरकारी मदद और एनजीओ की सहायता के बगैर किस तरह महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। कुछ इसी तरह की कहानी है कटिहार की रश्मि प्रिया की, जो बिना किसी मदद के लोगों के बीच और महिलाओं के बीच जाकर सैनिटरी पैड के बारे में जागरूकता फैला रही है। कटिहार से देखिए यह हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सोच बदलो समाज बदलेगा। समाज की सोच को बदलने की ऐसी ही कोशिश की दास्तान है कटिहार की रश्मि प्रिया की। कभी दूसरे कार्य क्षेत्र से जुड़ी रश्मि की जिंदगी तब बदल गई जब उन्हें पता चला कि आज भी सुदूर इलाके में महिलाएं माहवारी के दौरान साफ कपड़ा इस्तेमाल न करने से बीमार पड़ती हैं। कई बार तो जान तक चली जाती है, तो कई मामलों में बच्चेदानी तक खराब हो जाती है। रश्मि ने इसी विषय पर जागरूकता की पहल शुरू की। सरकारी सहयोग या एनजीओ की मदद से दूर रश्मि एक छोटे से घर में महिलाओं की टोली के साथ टेक केयर नाम की सैनिटरी पैड की पैकिंग कर अपने महिलाओं की टोली के साथ मिलकर सुदूर इलाके तक जागरूकता फैलाती हैं, साथ ही साथ कम दामों में पैड भी मुहैया कराती हैं। हम लोग डोर टू डोर प्रोग्राम करते थे जिसमें था कि महिला आत्मनिर्भर बने। उस वक्त क्या था ना कि हम लोग हुनर का प्रशिक्षण देते थे। उस दरमियान हमको एक ऐसा परिवार मिला जिसमें 16 साल 17 साल की लड़कियों का बच्चादानी खराब है, और पता चला कि उस गांव में ऐसे 5-6 परिवार हैं। तो जब कारण पूछा गया तो उसमें हम लोग उसमें डोर टू डोर हम लोग प्रोग्राम करने लगे। हम लोग पूछने लगे कि किस किस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो सारे पे आया क्या कि वो लोग पीरियड्स के टाइम में गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हम लोग को आया क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे महिलाओं के साथ ये काम का शुरुआत करें, जिससे क्या कि हम लोग नैपकिन भी बनाएं और नैपकिन जो डोर टू डोर पहुँचाएँ। और दूसरी बात क्या हो जाएगा कि एक महिलाएं नैपकिन भी यूज़ कर लेगी, और दूसरा क्या कि बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार भी मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रही है सारा हमारा टीम है जो डोर टू डोर काम करते हैं, जिसमें महिलाओं को नैपकिन समझाने का मतलब यूज़ क्यों ज़रूरी है बताते हैं। पैड से हुई कमाई और बचत का कुछ हिस्सा रश्मि के साथ काम कर रही महिलाओं को भी मिलता है, जिससे उनका भी रोजगार ठीक ठाक चल जाता है। आमतौर पर बाजार से दूर सुदूर इलाके में महिलाएं सामाजिक लाज के चलते ऐसी चीजें गांव समाज की दुकान से खरीदने में संकोच करती हैं, तो उनके लिए भी फोन कर सैनिटरी पैड सुदूर इलाके तक उपलब्ध करवाने की व्यवस्था रश्मि ने सुनिश्चित करवाई है। रश्मि के साथ काम करने वाली महिलाएं भी कहती हैं कि शुरुआत में तो कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन आर्थिक आमदनी के साथ साथ वे इस विषय को लेकर ज्यादा खुश है, क्योंकि उनके सहयोग से महिलाओं की स्वास्थ्य की दिशा में बड़ी सेवा हो रही है। रश्मि दी का सपोर्ट मिलता है, जो रश्मि दी अभी जो पैडमैन है, जो रश्मि दी के साथ काम करके हम लोग को बहुत खुशी मिलता है, बहुत आनंद आता है। और ये सबसे बड़ी है कि हम लोग महिला का जो मजबूरी है वो जो है सबसे पहला बात यह है कि मजबूरी हम लोग का खत्म हो रहा है। सुदूर आदिवासी इलाके में पहुंची रश्मि की इस टोली के प्रयास से ग्रामीण महिलाएं भी काफी खुश हैं। महिला प्रतिनिधि किरण यादव कहती हैं कि पहले तो रश्मि द्वारा दिए गए इस विषय पर जागरूकता के प्रस्ताव पर संकोच हुआ था, लेकिन ग्रामीण महिलाओं से बात करने पर जागरूकता को लेकर उनके बीच उत्साह को देखते हुए उन्हें लगता है कि उन्होंने इस विषय पर रश्मि का सहयोग कर बेहद अच्छा काम किया है, और आगे भी वो कटिहार के इस बैड वुमन का भरपूर सहयोग करेंगी। दीदी लोग घर तक आई है, वो तो हम लोग लेते ही हैं और पहले से भी लेकर के ही रखे हैं, और अब के भी अब लेंगे, फिर दोहरा करके भी लेंगे, अगले महीना तक भी लेंगे, सब दिन लेते ही रहेंगे हम लोग। इससे लेने से अच्छा होता है। क्या बेटी लोग को अपने घर के बेटी लोग को सब जी सर सबको देते हैं? कैसा लग रहा है मुहिम, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा। आदिवासी क्षेत्र है और हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं। कैसे आए थे ये लोग, क्या बोल के आपके पास क्या आए? ये लोग बोलने आए थे वो रश्मि दीदी कि यहाँ पे महिला को जो प्रॉब्लम है सब वो कपड़ा यूज करती है मेंस के दौरान पीरियड के दौरान, तो इस पे हम लोग को काम करना है, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, तो हम इसके लिए महिला सबको ग्रुपिंग यानी बुलाए बैठाए 10-15-20 महिला को, फिर उस पे हम लोग बात किए, हम सबको समझाए कि ये दीदी हम लोग के लिए काम कर रही है,
अगर हम लोग के लिए कोई काम नहीं करेगा तो फिर हम लोग के लिए तो दिक्कत है ना। हम लोग दुकान पे जाके पेट खरीद नहीं सकते हैं, शर्माते हैं, बोलते हैं। अगर इसके जरिए आपके घर घर एक एक यानी डोर टू डोर पेट मिल जाए तो हम लोग के लिए तो अच्छा है ना। हम हेल्प कर रहे हैं पूरा, यानी रेशमी दीदी का पूरा 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 हेल्प करेंगे। आधुनिकीकरण के इस दौर में भी महिला स्वास्थ्य से जुड़े जिस महत्वपूर्ण विषय पर समाज में खुलकर बातें तक नहीं होती, ऐसे विषय पर सुदूर इलाके तक महिलाओं को जागरूकता के साथ रोजगार की राह से जोड़ना पैड वुमन रश्मि का यह प्रयास वाकई सराहनीय है। महिला दिवस पर कटिहार से शाम की खास रिपोर्ट।